Hi guys, good evening. Good evening, sir. Yesterday we completed with essay number 260. And now we are going to complete this essay 200 ka series and start with 300 series also. So, ab hum log jo padhne ja rahe hain, next standard apna, wo hai essay number 265. Dhyan se padhna, bahut chota sa standard hai, interesting hai, maza aayega padhne ke liye. Baat ho rahi hai kiske bare mein? Essay number 265. Bolo re, kaun sa standard? Essay number 265. Sir, ye kiske bare mein baat karta hai 265? Zara dhyan se isko acche se padhna. It talks about communicating. Kya cheez? The deficiencies. Kiske bare mein baat ho rahi hai? Communicating what? The deficiencies in the internal control to those charged with governance and the management. अब देखना, जैसे कल हम लोग ने जो ऐसे 260 पढ़ा था ना, वो 260 में हमने क्या पढ़ा था? ओनली कम्युनिकेशन टू दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस. यहां पे बात हो रही है ऐसे 265 में कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी. टीसीडब्ल्यूजी के साथ साथ हम लोग किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं? मैनेजमेंट को भी. ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सो ये कम्युनिकेशन दोनों को हो रहा है, टीसीडब्ल्यूजी को भी और मैनेजमेंट को भी. बट क्या कम्युनिकेट हो रहा है? सो द पॉइंट इज डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. क्या कम्युनिकेट हो रहा है? डेफिशिएंसीज. डेफिशिएंसीज मतलब समझते हो क्या होता है डेफिशिएंसीज बच्चों? डेफिशिएंसीज का मतलब होता है द वीकनेसेस, द लिमिटेशंस, बराबर के नहीं, इन द इंटरनल कंट्रोल. तो ये अपने को कम्युनिकेट करना है. ओके, सो यहां पे इसका स्कोप क्या है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. एक सेकेंड और. वो हैंग हो गया था, वो उसको रिस्टार्ट करते हैं. सुबह से ये भी पढ़ रहा है ना बेचारा. तो आपके जैसे इसका दिमाग हैंग हो गया है. क्या हुआ बेटा? एप्लीकेशन सर्वर. यस, चालू हो गया रिस्टार्ट करके. सो वी आर कम्युनिकेटिंग व्हाट? डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल. ध्यान में रखना, ये किन्हें कम्युनिकेट हो रहा है? टीसीडब्ल्यूजी भी और मैनेजमेंट को भी, दोनों को कम्युनिकेट हो रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी नीड टू नोट. अब इसके अंदर स्कोप क्या है? पहली बात, एकदम सिंपल स्टैंडर्ड है, रीड करेंगे दिमाग में चिपक जाएगा. ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to communicate appropriately to those charged with governance and management the deficiencies in internal control. Wow, samjha gaya aapko? Matlab jo standard ka naam tha wahi niche likha hua hai, wo uske andar responsibility lagayi hai. Aur hame malum hai aise 200 ki jo series hai, wo 200 ki series deal karti hai kisse? Responsibilities se. Right, aage then agar aapko ye communicate karna hai to sabse pehle what you need to do is you need to take the understanding of the internal control. Yes. अब हमको मालूम है हमें कौन से इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, विच आर रेलेवेंट टू ऑडिट. बाकी कोई कंट्रोल्स तो अपन देखेंगे नहीं. वेरी गुड. अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल्स के बाद डू वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? बोलो यस और नो. सो यहां पर क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द ऑडिट when identifying and assessing the risk of material misstatement. इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना. जब हम लोग ऑडिट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? ऑडिट. तो ऑडिट में सबसे पहली जो अपनी ऑडिट प्रोसीजर होती है वो कौन सी होती है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम लोग को रिस्क कितनी है, कम है या ज्यादा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए वी डू व्हाट? अंडरस्टैंड द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल. सो मतलब रिस्क को असेस करने के लिए क्या हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं? सो यहां पे वही पॉइंट लिखा हुआ है कि यू हैव टू टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. सिंपल सी बात है ना, एकदम करेक्ट है. सो अब क्या होता है, आप ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, आप इसे क्यों कंसीडर करते हो? क्योंकि ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के बेसिस पे आप क्या करते हो? यू डिजाइन योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. रैप के बेसिस पे आप लोग बढ़ते हो क्या? फैप.
यू डिजाइन योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, बराबर के नहीं? सो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन मेकिंग दोज रिस्क असेसमेंट ऑडिटर कंसिडर्स इंटरनल कंट्रोल इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। सही है ना? फिर आगे जो लाइन लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगी आगे, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, आप जरा एकदम ठंडे दिमाग से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम लोग कहीं भी ऑडिट करते हैं, बराबर के नहीं, ऑडिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वी अंडरस्टैंड, सिंपल लिख रहा हूं जो यहां पे हम लोग को ऐसे के लिए कंसीडर करना है, वी अंडरस्टैंड व्हाट इंटरनल कंट्रोल्स। व्हाट डू? वी अंडरस्टैंड व्हाट इंटरनल कंट्रोल्स। ये इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम लोग को पता चलता है क्या कि रिस्क कितनी है, रिस्क कम है या ज्यादा है। इस रिस्क को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, वी डिजाइन आर ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब हम लोग बात करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की। डू यू अग्री विद दिस? यस। अब यहां पे आप मुझे बताओ, ये जो भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स आपने लिया है, इसका एंड रिजल्ट ये क्या है, इसका गोल क्या है, इसका द गोल इज टू डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर्स, यस और नो? यस। सो यहां पे आपको ये क्लियर कट मालूम है कि वी आर इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल्स सो दैट वी कैन डिजाइन आवर ऑडिट प्रोसीजर्स। सो हेलो मैनेजमेंट, whatever understanding of internal controls and evaluation of internal controls is being done, it is done for us and not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of internal control. देखिए हमने जो भी काम काज किया है internal control से related, ये हमने हमारे लिए किया है। कृपया आप ये मत समझ लेना कि वी आर कंडक्टिंग दिस एक्टिविटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल अच्छे है या नहीं है उसके ऊपर हम लोग हमारी राय देंगे। उसके लिए हमने इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट नहीं किया है। क्यों किया है हमने? सो दैट वी कैन डिजाइन आर ऑडिट प्रोसीजर्स। आपको स्कोप समझ में आया? स्कोप क्या है कि देखिए जब आप अंडरस्टैंडिंग करोगे तो आपको इसके अंदर कुछ वीकनेसेस मिलेंगी, वो वीकनेसेस को आपको बस कम्युनिकेट करना है। अब आप पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यू अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल्स, देन यू गेट द रिस्क एंड देन यू डिजाइन योर ऑडिट प्रोसीजर्स। जब आपको ये रिस्क पता चलती है तो ये रिस्क क्यों आएगी? बिकॉज देर आर सर्टन व्हाट वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल, यस और नो? देर आर सर्टन व्हाट वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल, तब जाके आपको रिस्क पता चलेगी है या नहीं है। डू यू अग्री? यस। सो जब आपको ये वीकनेस पता चलेगी, जब आपको ये वीकनेस पता चलेगी, आपका काम बस यही है कि ये वीकनेस आपने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को एंड मैनेजमेंट को। आई बात समझ में आपको? तो आपको कुछ अलग से एक्टिविटी करनी नहीं है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो मिला ना बस उसको बताना है। योर एक्टिविटी इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द डेफिशिएंसीज ऑफ दोस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है? यस। आगे, दिस एसे स्पेसिफाइज विच आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट। जमा यहां तक स्कोप, आगे बढ़ते हैं। Effective date 1st April 2010. Next, objective. To communicate, अब objective goal क्या है? Communicate appropriately to those charged with governance and management the deficiencies in internal control that the auditor has identified during the audit. Correct है एकदम? Audit करते दौरान जो मिली है वही बतानी है, बाकी कुछ बताना नहीं है। And in the auditor's professional judgment are sufficient importance to merit their respective attentions. मतलब हमारे हिसाब से मैनेजमेंट आपका इन वीकनेसेस पे ध्यान आना जरूरी है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। हम लोग कौन से वीकनेसेस बताएंगे जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अपने को मिले हैं?
बट सारी वीकनेसेस बताएंगे क्या? नहीं, वी विल ओनली टेल दोज वीकनेसेस विच इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेरिट देयर रिस्पेक्टिव अटेंशन, कि उनका उसके ऊपर ध्यान आना जरूरी है। आई बात समझ में? इसके लिए हम आपको बता रहे हैं तो जरूरत नहीं है बताने की, वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैनेजमेंट आपका उन वीकनेसेस पे ध्यान आना जरूरी है। हमको वो गलती मिली है, बता रहा हूं आपको। आई बात समझ में आपको? यस, आगे रिक्वायरमेंट। अब ये कैसे करेंगे आप? अब अपने को मालूम है ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कम्युनिकेट करना है। तो अब ये ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव आप कैसे पूरा करोगे वो अपन बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट की। हाउ विल यू अचीव दैट? ध्यान से देखना, सिंपल से पॉइंट ऐसे एकदम सिंपल है ना, देखो बस खत्म हो गया, सिंपल राइट। चलो, सो रिक्वायरमेंट्स, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म वेदर ही हैज आइडेंटिफाइड वन और मोर डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। रिक्वायरमेंट क्या है? पहले तुम डिटरमाइन कर लो, तुम पहले खुद इवैल्यूएट कर लो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट क्या तुम्हें कोई वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल मिला है या नहीं मिला है। क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली गलतियां ढूंढने के लिए काम करने वाले हैं क्या? स्पेसिफिकली वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, ऑडिट करते दौरान जो मिले वो बताएंगे। सो वैसा तुमको मिला है या नहीं मिला है, बस उसकी बात हो रही है, राइट। नंबर टू, अगर तुमने आइडेंटिफाई किया है बराबर के नहीं वन और मोर डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क परफॉर्म वेदर इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। वापस से बोलता हूं, फालतू वीकनेसेस बताएंगे क्या? नहीं, हम लोग कौन सी वीकनेसेस को बताएंगे? Which are of sufficient importance, मतलब ही significant, कि management ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो पहले क्या तुम्हें गलती मिलती है क्या वो तुम देखो, मिली तो फिर क्या वो significant है या नहीं वो चेक करो। आई बात समझ में? अब फिर significant है तो third point, simple है ना एकदम। अगर significant है तो आप क्या करिए उसको communicate करो। कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इन राइटिंग। बट कौन सी डेफिशिएंसीज? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। ए कितना इजी है रे, समझ रहा है आपको? सो ही विल कम्युनिकेट इन राइटिंग दोज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑन टाइमली बेसिस। ओवर। सो कम्युनिकेट करना राइटिंग में ऑन व्हाट? टाइमली बेसिस। एंड ऑल्सो अभी देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ही विल कम्युनिकेट टू TCWG। बट नीचे अपने को ऐसे में पढ़ा था मैनेजमेंट को भी है, सो नीचे आपको लिखेगा ही विल ऑल्सो कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एट एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑन टाइमली बेसिस। तो भैया वही हो गया ना, मैनेजमेंट को भी बताओ, TCWG को भी बताओ। यहां तक आपके फोर पॉइंट्स में आपको बताओ कुछ डिफिकल्टी है क्या? सिंपल है, ये स्टैंडर्ड इसीलिए पढ़ने में ईजी होते हैं, अपने को अपना बेसिक जो ऑडिट अपन ने पढ़ा है ना वो स्ट्रांग होना अपना, राइट। तब जाके ये स्टैंडर्ड्स में मजा आएगा पढ़ने के लिए। बोलो क्या है अपने को करना है? रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले वेदर यू हैव डिटरमाइंड एनी डेफिशिएंसी। इफ यू हैव आइडेंटिफाइड द डेफिशिएंसी, चेक वेदर इट इज सिग्निफिकेंट। इफ इट इज सिग्निफिकेंट, यू कम्युनिकेट इन राइटिंग टू मैनेजमेंट एंड TCWG ऑन टाइमली बेसिस। फोर बुलेट पॉइंट्स ओवर। यस, अब ये कैसे करेंगे? सो वो कहता है आप ये कम्युनिकेट जो करोगे ये कम्युनिकेशन होगा इन राइटिंग। मालूम है अपने को किसे कम्युनिकेट करेंगे? मैनेजमेंट TCWG को। बट क्या कम्युनिकेट करेंगे? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। कभी कभी यारो एग्जाम में ऐसा MCQ भी पूछ लेंगे आपको, कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल इज डन टू मैनेजमेंट TCWG बोथ और नन? बोथ। विच डेफिशिएंसीज? Deficiencies in internal control, significant deficiencies in internal control, significant deficiencies. बराबर के नहीं? Very good. आगे, significant deficiencies को writing में हम लोग communicate करेंगे that the auditor has communicated
or intends to communicate to those charged with governance unless it would be appropriate to communicate directly to the management in the circumstances. तो भैया significant deficiencies communicate करना है, but अगर कभी कभी लगता है urgent में ये management को directly बताना चाहिए तो उस समय पर बता देंगे. Next, significant deficiencies के अलावा और कुछ deficiencies होंगी which are not significant, मतलब वो कौन सी है? Other deficiencies. Other deficiencies identified during the audit which has not been communicated to the management by other parties and that in the auditor's professional judgment are sufficient importance to merit the management's attention, wo bhi communicate kar do. Baat samjho, significant deficiencies to hum log communicate kar lenge, but ab ye jo hai na, ye significant deficiencies kaun si hai? During the course of audit. बराबर के नहीं? कंट्रोल्स कौन से? रेलेवेंट टू ऑडिट, वो कम्युनिकेट होता है. बट कभी कभी कोई और कंट्रोल्स है विच आर नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट, वो डेफिशिएंसी हमको मिल गई है. बराबर के नहीं? हम अब क्या देखते हैं कि ये जो कंट्रोल नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट है इसके अंदर डेफिशिएंसी है. बराबर? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो व्यक्ति इस कंट्रोल को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको मालूम होना चाहिए कि उसमें वीकनेस है, तो उसने वो वीकनेस मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देनी चाहिए. बट ऑडिटर को दिखता है कि वो अदर पार्टी ने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करा ही नहीं है. आई बात समझ में? तो अब ऑडिटर क्या बोलता है? यार मेरे को वो डेफिशिएंसी मिली है. बराबर? जो अदर पार्टी ने मैनेजमेंट को बताया नहीं है, यार चलो और मेरे को लगता है कि ये मैनेजमेंट का इसके ऊपर ध्यान आना बहुत जरूरी है और मेरे को मालूम पड़ा है ना, चलो यार वो भी बता देता हूं. सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऐसे भी बताने का चाहे, बात हो रही है अदर डेफिशिएंसी की विच इज नॉट रिलेवेंट टू ऑडिट. अब बताऊं क्या? ऐसे तो बताने की जरूरत नहीं है, बट अब मुझे वो डेफिशिएंसी मिली है. स्टेप बाय स्टेप जाना, मुझे वो डेफिशिएंसी मिली विच इज नॉट रिलेवेंट टू ऑडिट. मुझे यहां पर दिखता है कि वो डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है तो मैनेजमेंट का इसके ऊपर ध्यान आना जरूरी है. बट फिर मैं चेक करूंगा क्या इसको अदर पार्टी ने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कराया क्या? नहीं करा. नहीं करा है तो मैं कर देता हूं. वापस एक बार पॉइंट पढ़ते हैं. अदर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट दैट हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट by other parties and that in the auditor's professional judgment are of sufficient importance to merit management's attention. क्लियर है एकदम? यस. थर्ड पॉइंट, ये कम्युनिकेशन कैसा होगा? रिटर्न कम्युनिकेशन. मस्त है एकदम. अब इसके अंदर क्या क्या देंगे हम लोग? सबसे पहले राइटिंग में हम लोग देंगे डिस्क्रिप्शन कि क्या गलती थी वो. डिस्क्राइब, ऐसे नहीं बोलने का ए वीकनेस है ले ले. व्हाट इज द वीकनेस? बाबा परचेस प्रोसीजर में कहीं वीकनेस है? बराबर के नहीं? सेल्स में, क्रेडिट सेल्स में वो क्रेडिट वर्दिनेस इवैल्यूएट करने में वीकनेस है, तो वो डिस्क्राइब करो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसी कि कहां पे वीकनेस है आपकी और उस वीकनेस के वजह से आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आ सकता है, उसके क्या पोटेंशियल इफेक्ट्स है वो भी बताओ. सिचुएशन की ग्रेविटी को अगर उनको बताना है, उनको उसके ऊपर अगर उसका ध्यान उनका आकर्षित कराना है ना, तो पहले आपको उनको बताना पड़ेगा कि इस गलती के वजह से आपकी कैसे बच सकती है. नहीं तो मैनेजमेंट ध्यान देगा क्या? आपसे मैनेजमेंट को बोलेगा अरे इसमें गलती है, मैनेजमेंट बोलेगा ठीक है ओके. दे विल नॉट पे दैट अटेंशन व्हाट वाज रिक्वायर्ड और व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. बट व्हेन यू टेल देम ना अरे सर सी दिस इज द वीकनेस एंड बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस दिस इज द पोटेंशियल इफेक्ट दैट कैन कम. क्रेडिट वर्दीनेस अगर आप सही से इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो, ओ माय गॉड, आपके जो डेटर्स है ना वो डाउटफुल हो सकते हैं. आप आपका प्रॉफिट छोड़ो प्रिंसिपल भी रिकवर नहीं कर पाओगे डेटर ने अगर पैसा नहीं दिया तो. पोटेंशियल इफेक्ट बताना पड़ेगा. अगर आपका परचेस प्रोसीजर बराबर नहीं है, टेलिंग यू आप कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लो सेल्स करने के लिए, बट अगर सेल हो गया और वो अगर परचेस में अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया ना तुम्हारा, तो तुम्हारा सेल्स अफेक्ट हो सकता है, आफ्टर सेल्स सर्विस का कॉस्ट बढ़ सकता है तुम्हारा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तुमको वारंटी रिपेयर्स आएंगे. फिर जब आप उन्हें बताओगे ना ये सब चीजें, तब जाके उनको उस सिचुएशन का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि नहीं अपने को इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है.
So just don't communicate for the communication's sake. What do? You communicate in writing. What is the deficiency? Describe it. After you describe the deficiency, second point, क्या करने का है? साथ ही साथ उसके potential effects भी बताओ. Logically correct है एकदम. आगे. फिर उसके बाद give them what? Sufficient information to enable those charged with governance and management to understand the context of the communication. अरे भाई आखिर auditor तू बोल क्यों रहा है? तो उसे background दो. जब मैं कुछ चीजें चेक कर रहा था, मुझे ऐसा ऐसा मिला, सी ये उसका इंफॉर्मेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स है जिसमें देखो मेरे को दिख रहा है क्रेडिट सेल्स बराबर से इवैल्यूएट नहीं करे, ये पार्टी जो आपने लास्ट ईयर इसको बैड डेट क्लासिफाई कर दिया था, आपने वापस से इसको क्रेडिट सेल कर दिया है. कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी ना, जिसके बेसिस पे आपने सोचा कि नहीं अपन ने मैनेजमेंट को बताना चाहिए, तो उन्हें वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी आप प्रोवाइड कीजिए. पहले वो गलती को डिस्क्राइब करो, उसका क्या नुकसान हो सकता है, उसके इफेक्ट बताओ, बराबर के नहीं? बट तुम ये आखिर किस बेसिस पे बोल रहे हो, बराबर? उसका इंफॉर्मेशन भी दो, सो दैट मैनेजमेंट अंडरस्टैंड कि तुम ये आखिर किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, आखिर तुमको ये ऐसा फील क्यों हुआ कि आई शुड कम्युनिकेट टू देम. गिव देम दैट बेस, प्रोवाइड देम विद दैट सफिशियंट इंफॉर्मेशन. आई बात समझ में? दिस इज द मैनर इन विच यू हैव टू कम्युनिकेट. ये होने के बाद यू एक्सप्लेन. सिंपल सी बात है यहां पे. देखिए साहब, द पर्पस ऑफ ऑडिट वॉज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम कह रहे हैं आपसे, हमारा उद्देश्य ऑडिट करने का क्या था? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द पर्पस ऑफ ऑन द एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दैट वॉज आवर पर्पस. और ये ओपिनियन, ये पर्पस को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स को कंसिडर करते हैं, बराबर? सो दैट वी कैन डिजाइन आवर ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस. तो समझ लेना, इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बराबर के नहीं? एंड द मैटर्स विच आर बींग रिपोर्टेड, जो हम आपको बता रहे हैं ना, आर लिमिटेड टू दोज डेफिशिएंसीज दैट द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड दैट द ऑडिटर कंक्लूडेड आर ऑफ सफिशियंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट द मैनेजमेंट्स अटेंशन. कुछ पल्ले पड़ा आपको यहां पे? नहीं सर. ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना स्कोप में, वही लिखा हुआ है. क्या बोलते हैं वो कि देखिए, हमने हमारा ऑडिट जो किया ना, वो क्यों किया? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके ओके. बट वेन वी हैव टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, वी नीड टू अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल्स सो दैट वी कैन डिजाइन आवर ऑडिट प्रोसीजर्स. सो हमने इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग क्यों ली? ताकि हम लोग हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन कर सके. सो ध्यान रहेगा कि इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स. आई बात समझ में? उसके बाद और एक लाइन लिखो, जो भी चीजें हमने आपको रिपोर्ट करी है ना, इट इज लिमिटेड टू ओनली दोज मैटर्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट. ये सिर्फ उसी तक सीमित है जो हमने ऑडिट करते दौरान हमें पता चली थी, बराबर के नहीं? बाकी हमने कुछ खास कुछ काम नहीं किया उस आपके गलतियां ढूंढने के लिए. खत्म ऐसे 265. इजी है क्या एकदम? खलास. एनी डाउट, डिफिकल्टी? पूरा ऐसे 265 खत्म. शैल वी मूव अहेड नाउ? यस. सो अब यहां से आगे बढ़ते ऐसे 299 which talks about responsibility of joint auditors. बहुत मस्त है. दोनों joint auditors नई नई करते, तो नई नई मत करो. दोनों नई नई मत करो. ऐसे 299 आके बताएगा कि उनकी responsibility क्या है. So we talk about essay number 299, responsibility of joint auditors, the last standard under 200 series. Correct ekdam? Yes. So are you guys ready? Yes sir. Ekdam simple hai? Yes. So now joint audit kya hota hai malum hai aapko? Joint audit jo hai, try to understand, ek yahan pe company hai, एंटिटी बोल लो, कंपनी नहीं बोलेंगे. कौन है यहां पे? देयर इज वन एंटिटी. अब जब इस एंटिटी का ऑडिट
मोर देन वन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जब करेगी फॉर सेम फाइनेंशियल ईयर, दैट टाइप ऑफ ऑडिट इज कॉल्ड एज व्हाट? जॉइंट ऑडिट, राइट? मतलब यहां पे मान लो अगर मेसर्स ए बी सी एंड यहां पे अगर मान लो मेसर्स पी क्यू आर ऑडिट करते हैं एक ही एंटिटी का, सो दे टुगेदर आर कॉल्ड एज व्हाट? जॉइंट ऑडिटर्स ऑफ द एंटिटी. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं ना, ये अपॉइंट किया जाता है बाय द एंटिटी इटसेल्फ. ओके, ऐसा नहीं है कि मेसर्स एबीसी अपॉइंट हो गए और फिर मेसर्स एबीसी बोलता है काम करो, मेसर्स पीक्यूआर तुम भी मेरे साथ काम कर लो. द सेकेंड ऑडिटर विल ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय द एंटिटी ओनली. एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेगा? पॉसिबल है क्या? नो. आई बात समझ में? सो अब यहां पे इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, किस तरीके से निभाएंगे, ये सारी बातचीत करेगा कौन? एसए नंबर 299. आई बात समझ में? सो देयर रोल्स, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी बातें करेगा कौन? एसए नंबर 299. आर यू गाइस रेडी? लेट्स स्टार्ट. दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑडिटर्स अंडरटेक इन एक्सेप्टिंग सच अपॉइंटमेंट्स एज जॉइंट ऑडिटर्स. पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज इन रिस्पेक्ट टू डिविजन ऑफ वर्क. पहले समझाऊं या पहले रीड करना है? पहले समझाना है. सिंपल सी बात है, डिविजन ऑफ वर्क, काम आपस में बांटो. कैसे बांटोगे? ध्यान से सुनो. एक तो आप पीरियड के बेसिस पे बांटो. पहले 6 महीने का तू कर ले, बाद में का 6 महीने का मैं कर लेता हूं, बराबर? या तो एक काम कर लेते हैं, एसेट्स का तू देख, लाइबिलिटीज का मैं देखता हूं, सेल्स का तू देख, परचेस का मैं देखता हूं, या तो तू पीएनएल का देख ले, मैं बैलेंस शीट का देखता हूं. सो यू डिवाइड द वर्क. बट फिर जो एरिया मटेरियल है जिस पे दोनों का काम होना चाहिए, दोनों का एक्सपर्टीज वहां पे लगना चाहिए, वो काम को आप डिवाइड मत करो. दिस इज हाउ यू डिवाइड द वर्क. ओवर. बस पढ़ते हैं. वेयर द जॉइंट ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड, दे बाय म्यूचुअल डिस्कशन डिवाइड द ऑडिट वर्क अमंग देमसेल्व्स. आपस में बातचीत कर लेना और वर्क को डिवाइड कर लेना. द डिविजन ऑफ वर्क वुड बी यूजुअली इन द टर्म्स ऑफ द आइडेंटिफाइबल यूनिट्स. बराबर ना? डिविजन कैसा होगा? बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइबल, जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे पीरियड है, बैलेंस शीट के आइटम्स है, यू कैन आइडेंटिफाई इट, और स्पेसिफाइड एरियाज. इन सम केस ड्यू टू द नेचर ऑफ द बिजनेस the entity of the audit, such division of the work may not be possible. तो ठीक है, फिर नहीं हो सकता divide. In such situations, division of work may be with reference to the items of assets or liabilities, income or expenditure, or with reference to period of time. यही तो बोला मैंने आपको भाई, डिवाइड कर लो आपस में बातचीत करके. कैसे डिवाइड करोगे? आइडेंटिफाइबल यूनिट्स में. नेचर ऑफ बिजनेस के वजह से वो यूनिट्स आइडेंटिफाई नहीं करते. आइडेंटिफाइबल यूनिट्स या एरियाज मतलब क्या होता है ना, बेसिकली कि एक बड़ी कंपनी है, इसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, जहां पे एक आइटम यहां बनता है, दूसरा आइटम वहां बनता है, तीसरा आइटम वहां बनता है. सो हम क्या करते हैं जॉइंट ऑडिट में, बेसिकली भाई यूनिट वन का मैं देखता हूं, यूनिट टू का भी मैं देखता हूं, थ्री और फोर का तू देख ले. ऐसा करके हम लोग क्या कर लेंगे? जॉइंट ऑडिट कर लेंगे. बराबर? ये दो यूनिट मैं संभालता हूं, दो यूनिट तू संभाल. बट नेचर ऑफ बिजनेस के वजह से ऐसा कहीं पॉसिबल अगर ना हो तो फिर तुम कैसे डिवीजन करो? एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर पीरियड योर कॉल, म्यूचुअली डिसीजन ले लो. बराबर के नहीं? उसके बाद सर्टन एरियाज ऑफ वर्क ओइंग टू द इंपॉर्टेंस और द नेचर ऑफ द वर्क, मतलब मटेरियल है या उसमें एक्सपर्ट नॉलेज बहुत लगने वाला है, तो वो क्या कहता है? भैया इसको आप डिवाइड ना करें, नहीं तो शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज एडवांटेज कैसा मिलेगा? अरे अगर सारा काम आप डिवाइड कर लोगे, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज एडवांटेज कैसा मिलेगा? तो जो इंपॉर्टेंट काम है भैया दोनों मिलकर कर लो. नेक्स्ट, द डिविजन ऑफ वर्क अमंग जॉइंट ऑडिटर्स एज वेल एज द एरियाज ऑफ वर्क टू बी कवर्ड बाय ऑल ऑफ देम शुड बी एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड एंड प्रेफरेबली कम्युनिकेटेड टू द एंटिटी. क्योंकि अपना तो मालूम है, कम्युनिकेशन हो जाए, जो अपन को अपॉइंट करा है उसको भी तो मालूम होना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है और मैं क्या काम कर रहा हूं. एनी डिफिकल्टी? नो. नाउ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन, जॉइंट ऑडिटर कम्स अक्रॉस द मैटर्स
which are relevant to the areas of the responsibility of other joint auditors and which deserve their attention or which require disclosure or require discussion with or application of judgment by other joint auditors, should communicate the same to all the other joint auditors in writing prior to finalization of the audit. Palle pada kuch? Nahi. Jaise try to understand. Agar aap P&L account dekh rahe ho aur main balance sheet dekh raha hu, kabhi kabhi kya hota hai, ek kaam dusre se connected hota hai. फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में मैं टाइटल एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन बराबर देखेगा ही देखेगा, बट डेप्रिसिएशन की बात आ गई तो उतना ही पीएनएल में चार्ज हुआ है कि नहीं, रिप्रेजेंट मेंटेनेंस हुआ है, वो कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, वो देखो. सो क्या होता है, एक काम और दूसरा काम, ये दोनों कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होते कि नहीं होते. सो उसमें मुझे वो दूसरे ऑडिटर का उसको वैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, भाई कुछ रिपेयर्स थे क्या, ये एसेट है, या वो बोलेगा भाई रिपेयर है यहां पे, वो एसेट है क्या वहां पे, बराबर के नहीं. तो उनमें आपस में वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए. सो ये कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, इसके लिए जो भी आपको कम्युनिकेट करना है यू डू इट बिफोर व्हाट, फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, ताकि उसको भी मालूम हो क्या है क्या नहीं है. नेक्स्ट, रिलेशनशिप अमंग ज्वाइंट ऑडिटर्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है, एकदम मस्त है. ये देखो इतना पढ़ने का और ये ऐसे खत्म, 299, एकदम मस्त है रे, राइट. आगे बढ़ सकते हैं यहां से जी. अब एकदम मस्त पढ़ना रिलेशनशिप ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, इसमें कुछ खास समझाने लायक बातें नहीं है, सिर्फ इसको प्यार से एक बार रीड करना है. ईच जॉइंट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क अलॉटेड एलोकेटेड टू हिम. डू यू अग्री? भाई मेरे हिस्से में जो काम आएगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहेगा ना, तेरे हिस्से का जो काम आएगा उसके लिए तू रिस्पॉन्सिबल. सही बात है ना, एकदम. कोई दिक्कत है आपको इसमें? नहीं सर. सो यहाँ पे ईच जॉइंट ऑडिटर्स इज डिवाइड किया था ना काम, जो तेरे हिस्से में आया उसके लिए तू जिम्मेदार, मेरे हिस्से में आया मैं जिम्मेदार. चलो कैसे बिना पढ़े मैं आपसे पूछता हूँ, जो काम डिवाइड नहीं किया उसके लिए दोनों जिम्मेदार. वेरी गुड, क्या बात है यार, गजब. वेदर और नॉट he has prepared a separate report on the work performed by him. On the other hand, all joint auditors are jointly and severally responsible for which work? The work which is not divided, for decisions taken by all the joint auditors. देखिए, जो divide किया उसके लिए मैं जिम्मेदार, जो divide नहीं हुआ दोनों जिम्मेदार, जिसके ऊपर दोनों ने decision लिया दोनों जिम्मेदार. boss. Like nature timing of the audit procedures, it may be clarified that all the joint auditors are responsible only in respect of the appropriateness of the decisions concerning. जितना हिसाब से तुमने decision लिया उतने उतने के लिए आप responsible रहोगे. In respect of, हाँ ये third वाला point जरा important है, ध्यान लगाना. In respect of matters which are brought to the notice of the joint auditors, coordination वाली बात हो रही थी ना यहाँ, कभी कुछ बोलना पड़ेगा उससे, कंसल्टेशन लेना पड़ेगा. सो अगर आपने कोई मैटर विच इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम एंड ऑन विच देर इज अग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, इसने मुझे कुछ बोला, किसने, एक जॉइंट ऑडिटर ने मुझे कुछ बोला, सर ऐसा ऐसा है, बोला ठीक है वैसा वैसा है, ओके वी अग्री, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है सर इतना इतना है, मैं देखता हूँ हाँ इतना इतना है, वी बोथ अग्री टू इट, बराबर, पॉलिसी जो डेप्रिसिएशन की बराबर है, यस वी अग्री टू इट, बराबर के नहीं, सर प्रेजेंस वो टाइटल उसका एग्जिस्टेंस है, हाँ है, वैल्यूज करेक्ट है, वी बोथ अग्री टू इट, कॉमन काम किया वो, इट वॉज ब्रॉट टू माई नोटिस, आई अग्री टू इट. इस केस में क्या हो जाएगा, वी विल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल, दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. अपन किसके अंदर का पार्ट पढ़ रहे हैं कि दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, उसके अंदर के ये बुलेट पॉइंट्स है 1, 2, 3, नहीं समझा? ये 1, 2, 3 पॉइंट्स किसके रिलेटेड है, ये व्हेन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल. सो फर्स्ट वाला जो काम डिवाइड नहीं किया है, दूसरा जो दोनों ने डिसीजंस लिए, तीसरा एक ने मेरा कंसल्टेशन लिया मैंने उसको अग्री किया. अगर मान लो कुछ हो गया उसके अंदर तो कौन जिम्मेदार? दोनों. आई बात समझ में आपको? यस. आगे
for examining that financial statements of the entity comply with the disclosure requirement. अब financial statements पे तो पूरा as a overall काम करेंगे ना, तो इसके लिए दोनों जिम्मेदार रहेंगे ना, बोलो हाँ. And last में audit report complies with the requirements of the audit report, तो दोनों मिलके देंगे, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? दोनों. ये जो पांच पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान से सुनना, एक तो एमसीक्यू के लिए पूछा जाएगा, या तो आपको शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाएगा कि मेंशन द पॉइंट्स वेयर जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल. वो पांच पॉइंट कौन से हैं? वर्क नॉट डिवाइडेड, डिसीजंस टेकन बाय बोथ, वर्क कम्युनिकेटेड बाय वन जॉइंट ऑडिटर टू अनदर वेयर बोथ अग्री टू इट. नंबर फोर पॉइंट क्या कहता है? डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट एज पर द रिलेवेंट स्टैट्यूट, जिसमें दोनों का काम है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इफ एनी मैटर अबाव, कौन सा फाइव पॉइंट्स में के कोई भी मैटर हैज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द एंटिटी और अदर जॉइंट ऑडिटर आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, द अदर जॉइंट ऑडिटर वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. भाई खत्म. देख सिंपल सी बात, अगर हमने ऑडिट रिपोर्ट पे ओपिनियन दे दिया, बराबर, ये बोलता क्वालिफाइड, मैं बोलता एडवर्स, बराबर, बट जब एडवर्स दिया था ना, उस टाइम पे दोनों ने अग्री किया था, बाद में आके जब ये बोलेगा ना, अरे नहीं सर क्वालिफाइड था, ऑडिट रिपोर्ट दे दी, अब मेरा तो क्वालिफाइड ओपिनियन था, चुप बे, अब दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के बाद तो आगे कुछ बोलेगा वो नहीं जमेगा. बात समझ रहे ना मेरी आप? सो इफ एनी मैटर इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द ऑडिटर, बराबर, अदर ऑडिटर आफ्टर द रिपोर्ट, कोई वैल्यू नहीं है उसका, बराबर के नहीं, बोलो यस और नो? यस. तो उसके लिए तू रिस्पॉन्सिबल रहेगा करके, जमी के बाद. पहले लाया तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है, बाद में लाया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं उसके लिए, अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है. नहीं समझे आप? मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल रहूंगा क्या बाद में? नहीं, बराबर, दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर टू डिटरमाइन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड बाय द ऑडिटर इन ईच एरिया. द इश्यूज सच एज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूजिंग टेस्ट चेक्स और सैम्पलिंग शुड बी डिसाइडेड बाय ईच जॉइंट ऑडिटर. क्लियर है? आगे, in case of the large entity where there are several branches including those audited by the branch auditors, the branch audit report or returns may be scrutinized by different joint auditors in accordance with the allocation of the work. kuch palle pada nahi, dhyan se sunna. joint auditor branch audit concept alag alag hai, dhyan se samajhne ki koshish kariyega. joint auditor branch audit mein difference kya hai? dekhiye dosto, jab hum log ब्रांच ऑडिट करते हैं तो ये एंटिटी है, ये इस एंटिटी की ब्रांच है, ठीक है. अब ये ब्रांच का ये ऑडिटर देता है रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट इश्यू करता है किसको? इस एंटिटी के ऑडिटर को, बराबर के नहीं? ये इसे कंसीडर करके ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द एंटिटी एज अ होल बनाएगा. ही विल प्रिपेयर एन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द एंटिटी एज अ होल, करेक्ट है ना? यस. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटिटी ऑडिटर एंड द ब्रांच ऑडिटर, करेक्ट है? जब हम लोग जॉइंट ऑडिट करते हैं, सो ये यहां पे वही एंटिटी, बट अब यहां पे दो फर्म्स ऑडिट कर रहे हैं. मान लो एक है मेसर्स एबीसी और दूसरा है मेसर्स पीक्यूआर. जब ये लोग ऑडिट रिपोर्ट देंगे ना, सो ये ऑडिट रिपोर्ट जो है ये दोनों मिलके देंगे. आई बात समझ में? यहां पे ब्रांच वाला सिर्फ ब्रांच पे रिपोर्ट देगा, बराबर के नहीं? बट ये जो ऑडिटर है ये कंपनी एज अ होल पे रिपोर्ट देगा. बात जमी यहां तक आपको? बोलो ना हाँ या ना. हाँ. बट ये जब जॉइंट ऑडिटर्स है, ये एंटिटी एज अ
होल पे रिपोर्ट देंगे, करेक्ट है। अब यहां पे क्या होगा, मान लो ये ब्रांच ऑडिटर आ एंटिटी को रिपोर्ट देता है, मतलब किसको देगा, इन दोनों को देगा ये, तो ये दोनों इस ब्रांच रिपोर्ट को कंसीडर करेंगे, दोनों कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो ना, दोनों इस रिपोर्ट को कंसीडर करेंगे, बट कंसीडर करेंगे कितना, किसके हिसाब से, इन अकॉर्डेंस विद द एलोकेशन ऑफ वर्क, उसके हिस्से में जो पार्ट आता है उससे रिलेशन में ही वो ब्रांच रिपोर्ट को कंसीडर करेगा, एंड फिर जाके दोनों ओवरऑल रिपोर्ट देंगे। फिर ओवरऑल रिपोर्ट तो दोनों को देना है, इसके लिए तो वो जॉइंट और सेवरली रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, बट जब ब्रांच रिपोर्ट आती है तो ब्रांच रिपोर्ट अपन ने अपने हिस्से में अपने बाटे में जितना काम आता है ना उससे रिलेटेड अपन ने कंसिडर करना है। आई बात समझ में, क्लियर एकदम, यस, वापस पढ़े वो पॉइंट। हाँ, इन केस ऑफ द ऑडिट ऑफ लार्ज एंटिटी वेयर सेवरल ब्रांचेस इंक्लूडिंग दोज रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाय द ब्रांच ऑडिटर्स, द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट्स और रिटर्न्स may be scrutinized by different joint auditors in accordance with the allocation of work. Jama, a significant part of the audit work involves obtaining and evaluating information and explanation from the management. This responsibility is shared by all the joint auditors unless they agree upon a specific distribution of responsibility. मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेना है स्टार्टिंग में, आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी, दोनों का काम है, दोनों ने अंडरस्टैंडिंग लेना है, एक्सेप्ट अगर हमें डिवीजन होगा तो, अदरवाइज जॉइंटली सेवरली दोनों रिस्पॉन्सिबल। ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल टू अज्यूम दैट द अदर जॉइंट ऑडिटर्स हैव कैरिड आउट देयर पार्ट। अज्यूम करने के लिए हम एंटाइटल्ड है, हमें अनुमति है कि जो हमने काम डिवाइड किया था ना, मैं अज्यूम कर लेगा उसने उसका काम किया होगा, भले किया नहीं किया मेरे को फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, सो आई एम एंटाइटल टू अज्यूम। नेक्स्ट, वेयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिवीजन और ब्रांच आर ऑडिटेड बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स, द अदर जॉइंट ऑडिटर्स आर एंटाइटल टू प्रोसीड ऑन द बेसिस दैट such financial statements comply with all legal and professional requirements regarding disclosures to be made and present a true and fair view of the state of affairs and the working results of the branch division concerned subject to such observation as communicated by joint auditors concerned। jhepa nahi kabhi kabhi kya hota hai, this one of the joint auditor can also be the branch auditor, हो सकता है ना, सो दिस अदर जॉइंट ऑडिटर, क्या लिखा हुआ है अभी जो बात हो रही, देखना, मान के चलो एग्जाम्पल फिर पढ़ेंगे, पी क्यू आर जो है ये ब्रांच ऑडिटर है, पी क्यू आर कौन है, पी क्यू आर ब्रांच ऑडिटर भी है एंड ऑल्सो वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर, इतना समझा आपको, पी क्यू आर इज द ब्रांच ऑडिटर एज वेल एज वन ऑफ द joint auditor, and now we are talking about what ABC is supposed to do. Shall we read it again? Yes, yes. Dekho, where a separate financial statements of a division or a branch are audited by one of the joint auditors. Click ho gayi baat. Matlab kaun hai yahan pe? PQR. The other joint auditor, ABC, are entitled to proceed on the basis that भाई जो भी वो financial statements है वो disclosure requirements, legal requirements उससे वो करते हैं, मेरे को अलग से वापस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है एकदम। रिपोर्टिंग responsibilities, another very important, अब होता क्या, पहले मैं समझाता हूं फिर रीड करना, होता क्या, you are one joint auditor, I am one joint auditor, we together give what a report on the entity's financial statements, but it is not always necessary that we come to the same opinion or the conclusion, it's a subjective term,
मेरा ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है. नॉर्मली जॉइंट ऑडिटर्स आर एबल टू अराइव एट द अग्रीड रिपोर्ट, बट हाउएवर देयर आर टाइम्स व्हेन दे कैनॉट. उस केस में क्या करने का, तू तेरा सेपरेट रिपोर्ट दे, मैं मेरा सेपरेट रिपोर्ट देगा. नहीं तो क्या हो जाएगा, दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ना. मैं काहे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि जब मेरे को लगता है वो गलत है करके. हाउएवर वेयर द जॉइंट ऑडिटर्स आर इन डिसएग्रीमेंट विथ रिगार्ड टू एनी मैटर टू बी कवर्ड बाय द रिपोर्ट, ईच वन ऑफ देम शुड एक्सप्रेस हिज ओन ओपिनियन थ्रू अ सेपरेट रिपोर्ट. अ जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स रिगार्डिंग द मैटर्स टू बी कवर्ड इन द रिपोर्ट एंड शुड एक्सप्रेस हिज ओपिनियन इन द सेपरेट रिपोर्ट इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट. मतलब क्या है ना, बेसिकली अगर मान लो तीन जॉइंट ऑडिटर्स हैं, दो बोलते क्वालिफाइड है, तीसरा बोलता नहीं एडवर्स होना, तो वो जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी जो बोल रहा है उसको फॉलो करो. मेरे को अगर लगता है मेरे को एडवर्स देना है तो मैं एडवर्स देगा, मैं मेजॉरिटी के साथ जाना पसंद नहीं करूँगा. आप पे ऐसे कंपल्शन भी नहीं है कि मेजॉरिटी जो बोल रहे वही करो. आई बात समझ में? हाँ, दोनों ध्यान में रखना, दोनों रिपोर्ट्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों में बेसिस फॉर ओपिनियन दिया जाएगा ना, ग्राउंड्स दिए जाएंगे ना, तो मेंबर तो पड़ेगा ना वो. आई बात समझ में आपको? यस. आगे बढ़े यहाँ से. ओके, सो यहां पे अपने दो स्टैंडर्ड्स खत्म हो गए एंड यहां पे अपना एसे नंबर 200 सीरीज भी खत्म हो चुकी है. वी स्टडी 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265 एंड 299. 10 स्टैंडर्ड्स अपने खत्म हो चुके हैं. नाउ वी गो टू नेक्स्ट सीरीज, दैट इज 300 की सीरीज. याद दिला देता हूं, 300 की सीरीज किसके बारे में बात करती है? आपको याद नहीं होगा, इंट्रोडक्शन आप भूल गए होंगे. सो ये अपना जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज 200 टू 299 खत्म हो चुका है. नाउ वी टॉक अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू दोज असेस्ड रिस्क. ये अपन बात करेंगे फ्रॉम 300 टू 499. अब नया सीरीज 300 और 400 का. करेक्ट है एकदम? यस. सो आइए दोस्तों, 200 की सीरीज खत्म करने के बाद अब प्रस्थान करेंगे 300 की सीरीज, जो आपने रेगुलर क्लास में पढ़ ली है. तो मैं इसको 300 को थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि 300 प्लानिंग इज कवर्ड एट बोथ द लेवल्स, फाइनल एज वेल एज व्हाट इंटर एंड आईपीसीसी. ध्यान से, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. 300 टॉक्स अबाउट व्हाट? प्लानिंग. याद भी कैसे करने का इसको, वो 300 मूवी आई थी ना एक, मालूम है क्या आपको, स्पार्टन्स बराबर की नहीं, राइज ऑफ एन एम्पायर, वो 300 का सेकेंड पार्ट था. सो उसमें वो 300 लोग है ना लड़ने को जाते. जिसने नहीं देखा आज होमवर्क, ट्रेलर देखना घर जाके, पिक्चर मत देखना, टाइम नहीं है इतना अपने पास. योर होमवर्क इज टू वॉच द ट्रेलर ऑफ द मूवी 300. उसमें 300 लोग लड़ने झगड़ने जाते हैं, वो पर्शियन किंग या ऐसे कुछ तो भी होता है वो. तो सिर्फ 300 लोग जाते हैं लड़ने के लिए अगेंस्ट ह्यूज आर्मी ऑफ लैक्स ऑफ पीपल. मस्ती देखा गया उनमें, 300 लोग सिर्फ, बट वो भारी लड़ते वो लोग, बराबर कि नहीं. दे प्लान द ऑडिट, बराबर कि नहीं. दे प्लान द ऑडिट एंड देन दे फाइट. आई बात समझ में? देयरफॉर यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पे 300 वो उस मूवी से इंस्पायर हुआ है. प्लानिंग, समझेगा आप लोग, वो कैसे जाते लड़ने के लिए, प्लान करके. इसके लिए मैंने बोला इंस्टीट्यूट को, आई एम वेरी मच इंप्रेस्ड बाय दैट मूवी, देयरफॉर यू गिव ऐसे 300 अ नेम ऑफ व्हाट? प्लानिंग. एक सेकेंड ना, एक वालों मेरे को, मैं होशियार है थोड़ा, दो मिनट थोड़ी तो इज्जत दे.
हाँ कर ले देखो, ओके ओके, सो लेट्स गो अहेड नाउ. वी टॉक अबाउट 300 नाउ प्लानिंग. एकदम मस्त ध्यान से देखना, पहले पूरा थीम जो जो अपन ने पढ़ लिया वो मैं बता रहा हूँ. स्कोप ऑफ दिस ऐसे भाई, अब तुमको तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मालूम पड़ गई है ना, क्या क्या करना है तुमको. सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बराबर कि नहीं. तो वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर उसमें बात करिए. देन यू अग्री द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, काम करते करते क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, फ्रॉड के बारे में बात हुई थी. यू ऑल्सो कंसिडर द लॉज एंड रेगुलेशंस. देन यू कम्युनिकेट विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस, यू कम्युनिकेट द डेफिशियंसीज टू मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर. पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मालूम है, अब फिर ऑडिट करेंगे, ऑडिट ऐसे मुंह उठा के करेंगे, हाँ मत बोलो, नहीं ना, पहले क्या करना पड़ेगा अभी, प्लानिंग. सो नेक्स्ट स्टैंडर्ड 300 सीरीज प्लानिंग, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. The auditor's responsibility is to plan an audit of financial statements. It is framed in the context of recurring audits. Recurring audits, year after year, you are only the auditor. Aayi baat samajh mein? Yes. Objective. The objective of the audit is to plan the audit so that it can be performed in an effective manner. Chapter ke shuruaat mein humne padha tha ki प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, बिकॉज इट हेल्प्स द ऑडिट टू बी कंडक्टेड इन इफेक्टिव एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर. नेक्स्ट, जब हम लोग प्लान करेंगे ये इफेक्टिव ऑडिट करने के लिए, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट्स. अभी मतलब अब यहाँ पे सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्या बोला है, अच्छा ऑडिट होना है इसके लिए. सो अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्लानिंग में आपने क्या क्या करना चाहिए. सो लेट्स फोकस अपॉन दी हेडिंग्स. फर्स्ट अपने की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि उनसे जब बातचीत करेंगे तो दे विल गिव अस व्हाट द नॉलेज, दे विल शेयर द इनसाइट्स, दे विल शेयर द इंफॉर्मेशन. तो प्लानिंग करते समय की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को बुलाओ, इन्वॉल्व करो. फिर उसके बाद यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, वॉट यू डिड इन एसए नंबर 220, बराबर के नहीं. क्वालिटी के लिए आपने क्या किया था, you obtained information from the firms and the network firms, you evaluate the threats of identified breaches, ye sab baatein kari thi aapne. To aapko audit accept karna hai ya nahi karna hai uske pehle aap kuch cheeze check karte ho, to wo preliminary activities hai. Uske baad preliminary activities ke baad aap plan karenge, planning mein aap banayenge aapki audit strategy, barabar ke nahi. ऑडिट स्ट्रैटेजी होने के बाद आप बनाएंगे आपका ऑडिट प्लान. अब उसके बाद ऑडिट प्लान और ये आप अपडेट और चेंज कर सकते हो आपकी मर्जी के अनुसार. एंड इसके बाद आप नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन आप उसके अंदर इंक्लूड कर लेना. ये सब जो भी हो जाएगा आपने इसको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन. आपने अभी तक क्या किया, स्ट्रैटेजी बनाई उसको डॉक्यूमेंट कर लो, आपने प्लान बनाया उसको डॉक्यूमेंट कर लो, ये चैप्टर में भी पढ़ाया अपन ने. और उसके बाद आपने जो भी आपके सिग्निफिकेंट चेंजेस है आपने उसको भी डॉक्यूमेंट करना है. यस, एसपीसी, सिंपल है एकदम. एंड फिर आपने एडिशनल कंसीडरेशंस वो अपन देख लेंगे बाद में. समझ में आई बात? यस. अब देखो इसके हिसाब से मेरा ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अब जरा यहां से फटाफट खत्म कर ले. 300 ओवर हाँ, कैसा मजा आया कि नहीं, यही तो बात ना यार. ओके, सो यहां पे द एंगेजमेंट टीम शैल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ऑडिट इंक्लूडिंग प्लानिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. तो उनको इन्वॉल्व करो. फिर उसके बाद यू परफॉर्म द प्रोसीजर्स एज रिक्वायर्ड बाय एसए 220 क्वालिटी के लिए. You also comply with the ethical requirements including independence and then you agree what the terms of engagement. So आपका plan किस basis पे चलेगा? सबसे पहले आपको quality achieve करनी है, फिर आपको ethical requirements और independence requirement पूरा करना है, and then you as per SA number 210 you have to agree the terms of engagement. Simple है क्या एकदम? यही तो पढ़ा हुआ है बचपन से. नेक्स्ट, प्लानिंग एक्टिविटीज, ऑडिट स्ट्रैटेजी, इसका एक चार्ट बनाया हुआ था, स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, डायरेक्ट, रिजल्ट्स, याद है क्या? स्कोप विल बी बेस्ड ऑन एंगेजमेंट,
प्लानिंग विल बी बेस्ड ऑन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, बराबर की नहीं? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस डायरेक्ट किसको करेंगे? एंगेजमेंट टीम, एंड कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. आई बात समझ में आपको? सो ये आपका देखो यही के यही पॉइंट्स है. फिर आपके प्लान में क्या क्या आएगा? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फैप एंड अदर प्लान प्रोसीजर्स. हो गया क्या? अरे यार मस्त है कि नहीं? एकदम सही हो गया ना भाई. चैप्टर, चैप्टर मतलब क्या? रिवीजन भी हो गया, चैप्टर भी हो गया. नेक्स्ट समझ रहे ना कौन सी चीज क्या पढ़नी है, कब पढ़नी है? बहुत मजा आता है, ये फटाफट खत्म हो जाती है बातें. रेगुलर लेक्चर्स का फायदा बहुत होता है फिर इसमें. एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स एज पर एसए 220 एंड कम्युनिकेटिंग विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर वेर देर हैज बीन अ चेंज ऑफ द ऑडिटर्स विच इज द एथिकल रिक्वायरमेंट. कोई भी नया ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले आपने क्या करना है? प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना है. बिकॉज एज पर शेड्यूल वन पार्ट वन क्लॉज 8 यू हैव टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर. दैट इज द रिक्वायरमेंट. इसी के साथ अपना एसए नंबर 300 ओवर. आज का दन 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 फिनिश हो रहा सर, मजा आ रहा है यार. छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स, एकदम सिंपल है एकदम. यस, अब बड़ा स्टैंडर्ड आ गया, नजर लग गई सर, है ना? सो नाउ वी टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, एसए नंबर 315. नाम ही जितना बड़ा है तो भैया स्टैंडर्ड का बड़ा होना तो बनता ही बनता है ना, बराबर के नहीं? सो एसए नंबर 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग किसको? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ध्यान में रखना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. क्लास में भी पढ़ाया है, कंट्रोल रिस्क प्लस इनहेरेंट रिस्क इज टुगेदर कॉल्ड एज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो उसकी बात हो रही है. ये कैसे होगा पॉसिबल? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, बराबर कि नहीं? बोलो यस. दिस इज व्हाट इज एसए नंबर 315. नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. कभी भी एसए का नाम और नंबर भी आपको याद करना बहुत जरूरी है. एमसीक्यू के लिए ऑप्शन नहीं है यारो आपके पास, बराबर कि नहीं? सो किस में भी क्या पूछेंगे आपको, बोलेंगे नाम है भैया, और या तो वो कंटेंट डालेंगे, बराबर कि नहीं? दैट द ऑडिट शुड बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद दी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इज सेड बाय विच स्टैंडर्ड? 200, 300, 500, 700? 200. 300 इज प्लानिंग बाबा, अभी तो पढ़ाना रे. एंड 200 का नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद दी स्टैंडर्ड्स. इसका मतलब सिंपल बेसिक क्वेश्चन, बराबर कि नहीं? एक नंबर वेस्ट हो गया ना आपका. ऐसे सवाल आ सकते हैं आपको. आई बात समझ में? सो वी नाउ मूव टू एसए नंबर 315. जरा एक बार गहराई नाप ले गया इसकी. 32, 33, 34, 35, बस चार पेज का है तो ओके. सो जा रहा है क्या दिमाग में जो भी आज पढ़ रहे हैं अपन? बराबर, तो आगे बढ़ते हैं फिर. एसए नंबर 315, इसके बारे में भी हमने बहुत कुछ डिटेल्स हमने क्लास में पढ़ी हुई है रेगुलर लेक्चर्स में. बस अब ये इकट्ठा पढ़ना है अपने को. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लासेस में जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोग क्या है वो स्कैटर्ड वे में पढ़ते हैं जो मॉड्यूल का सीक्वेंस है. बट अब स्टैंडर्ड्स हम लोग इसके लिए, ये अलग लेक्चर्स आपके लिए है कि बाबा एग्जैक्टली कौन सा स्टैंडर्ड क्या कहना चाहता है उसका हमको क्या मिले, एक कंसोलिडेटेड पार्ट एक जगह मिल जाए, तो हम लोग को अलग अलग बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं है. सो वी स्टडी दिस. स्कोप ऑफ दिस एसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फटाफट निपटा दे इसको. डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट इट्स इंक्लूडिंग द एंटिटी एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल. टू अंडरस्टैंड द एंटिटी इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ से. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अरे to identify and assess the risk of material misstatement. But remember, whether due to fraud or error. But जो हमने essay 240 में पढ़ा था ना, we are concerned with misstatements. Which misstatements? Which are material misstatements, but caused because of fraud. Essay 240 का वो था. यहाँ पे भैया जो भी risk of material misstatement है, चाहे वो
फ्रॉड का हो या एरर का हो, बट वो कहां पे? टू लेवल्स पे रिस्क आ सकती है, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड द असर्शन लेवल. मालूम है ना आपको? सो आपको आइडेंटिफाई और असेस करना है यही रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को. हर स्टैंडर्ड में आपको दो बातें कॉमन नजर आएगी, ध्यान में रखना. एक है उसका ऑब्जेक्टिव और दूसरा है उसका रिक्वायरमेंट. हर बार यही होगा कहानी कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रिक्वायरमेंट्स क्या है. गोल देंगे, वो गोल को अचीव करने के लिए स्टैंडर्ड आपको पूरा पूरा प्रोसीजर देगा. हर स्टैंडर्ड का एक कॉमन फीचर है, ठीक है? ओके, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड. फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉड हो या एरर हो, बराबर के नहीं. वो कहां पे आ सकती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल. वेरी गुड. थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, देयर बाय इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द रिस्पॉन्सिस टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. अब अगर आप नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है SA 330, देखो बोला नाम क्या है उसका, SA 330, देखो बहुत मजा आएगा. मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्या है. 330 के बाद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिस टू द असेस्ड रिस्क. नहीं समझ रहे आप? 315 में आप क्या करो, यू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. क्यों करना है? सो दैट इट प्रोवाइड्स द बेस टू रिस्पॉन्ड टू दोज असेस्ड रिस्क. सो बेसिकली ये जो 315 है ना, एकदम सिंपल ट्रिक बोल रहा हूं मैं आपको. 315 जो है ना वो रैप है, 330 जो है ना वो फैप है. ये बेसिक है. ये 315 इज रैप, 330 इज फैप, बट दिस एंटायर थिंग शुड हैपन इन व्हाट? मटेरियलिटी. बीच में आता है ऐसे नंबर 320, बराबर के नहीं. और 330 खत्म हो गया ना भाइयों, उसके बाद डायरेक्ट 300 सीरीज ओवर है. अरे बहुत बड़ा ही है, बट डायरेक्ट वी स्टार्ट विथ 402 एंड 450. 300 सीरीज खत्म, 400 सीरीज में दो स्टैंडर्ड्स है. ऐसा ही कॉन्सेप्ट अपना लिंक होते हैं. एंड देन 500 तो ऑलमोस्ट अपन ने पूरा पढ़ लिया है इंटरमीडिएट लेवल पे. अरे कितना मजा आया ना फिर यार तुम्हारे जिंदगी में. स्टैंडर्ड्स का टेंशन नहीं है, बहुत मस्त है ये स्टैंडर्ड्स. ओके, रिक्वायरमेंट रेडी क्या आप लोग? यस, ओके. सो क्या लिखा हुआ है, मस्त एकदम पढ़ना. अभी अपने को क्या करना है ये भूलना नहीं, अभी स्टेप बाय स्टेप है, एकदम क्लियर कट. बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है ये, 4 पन्नों का है भाई, एकदम ध्यान से सुनना. अभी लगे तो आज सिर्फ इतना भी हुआ ना अपना पढ़ के तो भी चलता अपने को, बट जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है. सो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी. ऐसे 315 में अपना उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द गोल? सी वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैपनिंग वेयर, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल. Doesn't matter whether वो because of error or fraud, बराबर. So how to identify this risk is the main question. So how will you identify that risk? So you have to do what? To identify the risk, you have to do rap. 330 में response is what? FAP. सही है ना एकदम. So to identify the risk, whether due to error or fraud, you carry out the risk assessment procedure, correct? And also do the related activities. उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो कर लो. Clear है एकदम? अब अंदर के point. अब आपको लगेगा सर इतना matter है इसके अंदर, आएगा क्या हमको? पता नहीं सर. Let's see. Perform risk assessment procedure to provide a basis for identification and assessment of risk of material misstatement. आता माजी सटकली, वही है क्या ये? मतलब भाई वो बोलता है सर तुम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करो. क्यों? बिकॉज यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट इज नथिंग बट माई ऑब्जेक्टिव. बोलो ना रे,
ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या लिखा है मैंने, क्या करूंगा मैं, रैप। अब रैप को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करेगा, मैं सॉरी रैप को क्यों परफॉर्म करूंगा, वही तो रिस्क, वही लिखा हुआ है। द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच टू बेस एन ओपिनियन। मेरे को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से सिर्फ रिस्क कितनी हो सकती है वो पता लगता है, एक्चुअल कितनी रिस्क है या एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं, मतलब मुझे ओपिनियन देने के लिए रैप मदद करते नहीं है। रैप के बेसिस पे करता हूं फैप और फैप के बेसिस पे देता हूं ओपिनियन। बोलो यस और नो, यस। सो इसीलिए रैप डज नॉट ऑन इट्स ओन प्रोवाइड मी विथ व्हाट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एनी डिफिकल्टी? नो, फर्स्ट पॉइंट ओवर है। सो द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर शैल इंक्लूड व्हाट, इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से पूछताछ करो भाई कि क्या यहां पे कुछ गलती है, क्या आपको कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, दिस इज व्हाट वी डिड इन एसए 240। इंक्वायरिंग विद द मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस एज वेल एज द एम्प्लॉइज, उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिए थे, बराबर। सो इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी who is in the auditor's judgment may have the information, barabar ke nahi, that is likely to assist in identifying the risk of material misstatement whether due to error or fraud. Phir aap perform karenge kya, analytical procedure, also do what, observation and inspection. Clear ekdam? Isse aap kya kar sakte ho, risk hai ya nahi uska pata laga sakte ho, poochtaach karo. Analytical procedure, huh? Analytical procedure is what? One of the methods so that we can use to find out whether risks are there or not. Try to understand, what do we do in analytical procedure? We do the comparison or identify the relationships. Barabar kine, with the prior period anticipated information or the industry information, with financial to financial or financial to non-financial. But agar kahin pe mismatch hai, guarantee hai kya ki kahin mismatch hona jaruri chahe karke? बोलो ना, कहीं गारंटी है क्या कि मिसमैच होना नहीं, बट इट गिव्स यू व्हाट, एन इंडिकेटर, एन आइडिया दैट कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास अगर कार है तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा आना बनता कि नहीं बनता, दैट्स अ रिलेशनशिप। बट अगर मान लो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है ही नहीं, फिर नॉट नेसेसरली कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो, बट आपका वहां पर ध्यान जाता है ना, सो इट गिव्स यू एन आइडिया ना कि यहां पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, दैट इज इट गिव्स यू अ रिस्क इंडिकेटर्स। सो देयरफॉर यू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो, यू ऑब्जर्व, यू इंस्पेक्ट सर्टन डॉक्यूमेंट्स टू फाइंड आउट वेदर रिस्क इज देयर और नॉट। क्या किया अभी तक अपन ने, रैप परफॉर्म किया, वो परफॉर्म किया सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रैप के अंदर क्या किया, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और इंक्वायरी करी, बराबर के नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑडिटर शैल कंसीडर वेदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द ऑडिटर्स क्लाइंट, द ऑडिटर शैल कंसीडर वेदर द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द ऑडिटर्स क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस प्रोसेस इज रिलेवेंट टू आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये हम लोग ऐसे 220 में भी करे थे, रेगुलर सिलेबस में हमने इसके बारे में बात भी करी थी, याद दिलाता हूँ ऐसे 220 में भी क्या बात करी थी, ऐसे 200 में भी बात करी थी इसके बारे में। वी हैव टू चेक व्हाट बिफोर वी कम्युनिकेट, एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेट, वी हैव टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द ओनर्स, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, बराबर के नहीं। नंबर टू, द केपेबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट टीम, याद आ रहा है कुछ ऐसा? तो वो जो बातें है ना, यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर, और उसमें जो आपको आपके क्लाइंट से जो इंफॉर्मेशन मिली है, बराबर, दैट विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया कि वेदर रिस्क इज देयर और नॉट। देन वेर द एंगेजमेंट पार्टनर हैज परफॉर्म्ड अदर एंगेजमेंट्स, उसने उन्हीं का कुछ और दूसरा काम करावा होगा तो उसे आइडिया भी आएगी। एंड ध्यान से सुनना, यहां पे आप
इस एक्सेप्टेंस के पहले यू ऑल्सो कम्युनिकेट विथ हुम? प्रीवियस ऑडिटर. सो ये भी आपको रिस्क के बारे में कुछ ये बता देगा ना. सो अगर आपने अदर एंगेजमेंट परफॉर्म किया है, ही शैल कंसिडर दैट वेदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेंड इज रेलेवेंट, मतलब उससे भी फायदा होगा. नंबर टू, वेदर यूज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेंड फ्रॉम द ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द एंटिटी. पिछली बार मैंने आपको याद है क्या, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं याद आ रहा आपको? अरे एंटिसिपेटेड रिजल्ट का नहीं आ रहा हूं मैं यहां, वो एनालिटिकल प्रोसीजर में. अरे वही एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस में, इंटीग्रिटी ऑफ द ओनर्स, मैनेजमेंट दोष चार्ज विद गवर्नेंस, बराबर एबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट टीम, फिर प्रायर एक्सपीरियंस. अपना कुछ घटना हुआ था क्या इनके साथ कुछ? वही बात हो रही ना यहां. फ्रॉम द ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस ऑडिट्स, उसके बाद द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर चेंजेस हैव बीन ऑकर्ड सिंस प्रीवियस ऑडिट, देन द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द अदर एंगेजमेंट टीम शैल डिस्कस द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि क्या भाई इसमें गलतियां हो सकती है या नहीं. देन द एंगेजमेंट पार्टनर्स शैल डिटरमाइन द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू एंगेजमेंट टीम आर नॉट इन्वॉल्व इन द डिस्कशन, जो नहीं थे उनको भी इन्वॉल्व कर लो. सिंपल है, रिस्क को असेस करने के लिए आपने क्या क्या किया? पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द रिस्क, बट वी ऑल नो दिस इटसेल्फ डज नॉट प्रोवाइड यू विद सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, सॉरी ऑडिट एविडेंस टू फॉर्म एन ओपिनियन. नंबर टू, व्हाट यू विल डू, यू परफॉर्म द प्रोसीजर्स लाइक एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी. फिर आपको ये रिस्क मौजूद है या नहीं ये पता लगाने के लिए आप क्या करोगे? नंबर वन, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के टाइम पे जो इंफॉर्मेशन मिली उसको कंसीडर करेंगे. आपने कुछ और काम किया होगा उन्हीं के साथ वो कंसीडर करेंगे. आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस आप वो यूज करेंगे, और जो डिस्कशन हुआ था आपने आपस में एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के बीच में कि क्या इनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ सकती है क्या, बराबर कि नहीं, वो अपन देखेंगे. आई बात समझ में आपको? यस. फिर ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के बाद अब हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल्स. अब सीधा सीधा रेगुलर लेक्चर का नॉलेज, एंटिटी एंड एनवायरनमेंट में रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नेचर ऑफ द एंटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स, वो ऊटी बोला था, ऑपरेशंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड. फिर उसके बाद एंटिटी, एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज, एंटिटीज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. अरे कुछ याद आता है क्या? रेलेवेंट इंडस्ट्री का मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वो ऑटोमोबाइल, स्टील किस में है वो इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम. फिर उनका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से भी ट्राई कौन है भाई, एंड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब शेड्यूल थ्री या बैंक्स के लिए अलग उनका थर्ड शेड्यूल, बराबर वैसा. फिर उनके ऑपरेशंस की उसमें वो क्या करते हैं, कौन ओनर है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हाउ इट इज़ फाइनेंस एंड हाउ इट इज़ स्ट्रक्चर्ड. फिर उनके अकाउंटिंग पॉलिसीज, उनके ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज एंड उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है. उसके बाद एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, कौन से इंटरनल कंट्रोल्स? सो ऑल दो मोस्ट, नहीं ये ध्यान में पढ़ना, पढ़ा हुआ ही है, ऑल दो मोस्ट कंट्रोल्स आर रेलेवेंट टू ऑडिट विच आर लाइकली टू रिलेट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बट नॉट ऑल कंट्रोल्स दैट रिलेट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर रेलेवेंट टू ऑडिट. करेक्ट है एकदम, यस. देन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट. यू रिमेंबर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? हाँ है क्या ये पांच पॉइंट? अरे यार सर क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? एक नंबर. फिर उसके बाद बात करेंगे, अभी क्या किया अपन ने, सबसे पहले हमने क्या किया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करी, रिक्वायरमेंट के स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स इकट्ठा करो.
सबसे पहले हमने क्या किया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करी। वो होने के बाद वी टुक दी अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग होने के बाद अब एक्चुअली हम लोग ढूंढेंगे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। आई बात समझ में? सो दिस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैन बी प्रेजेंट वेयर, एट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एट दी असर्शन लेवल। फॉर द पर्पस क्या करेगा वो, अब ध्यान से पढ़ना, ही विल आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग थ्रू द प्रोसेस। वो एक्चुअली होना चाहिए। तो ये रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, बाय ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स दैट रिलेट टू द रिस्क एंड कंसिडरिंग द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस विच हैज बीन अफेक्टेड। सो बेसिकली फर्स्ट जो स्टैंडर्ड का नाम है वही करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई होने के बाद सेकेंड काम क्या करना है, असेस। आइडेंटिफाई कर लिया, अब असेस मतलब उसका इंपैक्ट कितना गहरा है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियली अफेक्ट करता है या नहीं। दैट इज आइडेंटिफाई द असेस रिस्क एंड इवैल्यूएट वेदर दे रिलेट मोर परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल एंड अफेक्ट मेनी असर्शंस। मतलब वो परवेसिव है या नहीं वो आपको चेक करना है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको क्वालिफाइड देना है या एडवर्स देना है, वो आपको ओपिनियन देना पड़ेगा ना। सो यू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क एंड देन इवैल्यूएट वेदर इट परवेसिवली अफेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल एंड अफेक्ट्स मेनी असर्शन। उसके बाद आप उसे रिलेट करो, कंपेयर करो टू व्हाट कैन गो रॉन्ग। व्हाट डू वी मीन बाय व्हाट कैन गो रॉन्ग, इज इनहेरेंट रिस्क, कि क्या क्या गलत हो सकता है। अब उससे रिलेट करो उसको कि वैसे वैसे वो गलती है या नहीं। टेकिंग इनटू अकाउंट द रिलेवेंट कंट्रोल्स दैट ऑडिटर इंटेंड्स टू टेस्ट एंड देन कंसीडर द लाइकलीहुड ऑफ द मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी। क्योंकि अपने को सैंपल बेसिस पे करेंगे तो बार बार हो सकता है या नहीं हो सकता, आप वो चेक करो और फिर उसका मैग्नीट्यूड के बाद वो पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट देख के फिर आप आपका ओपिनियन देना। Consider the likelihood of misstatements, including the possibility of misstatements, whether the potential misstatement is of a magnitude that could result into what? Material misstatement. फिर अब जब वो material है फिर देखेंगे वो pervasive है या नहीं है, उसके basis पर अपन अपना opinion देंगे। Now you understood how the flow comes. So first you identify the risk. कैसे identify करोगे? By understanding the entity, its environment, including its internal control. Then we will assess the risk, evaluate whether it pervasively affects or not. उसके basis पे हम लोग क्या check करेंगे? Relate it to the what can go wrong, that is inherent risk, and check the controls which you need to test. फिर हम लोग को जो risk मिली, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने ये risk को identify किया ना, ये actual में मिली अपने को, बराबर के नहीं? और फिर हम लोग इस actual risk को compare करेंगे inherent risk को, और ये रिस्क में हमने कुछ सोचा था ना, इस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट ने कुछ कंट्रोल्स लगाए होंगे। नहीं समझा आपको, मैं समझाता हूं अच्छे से। देखिए रिस्क की बात हो रही है, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, बोलो। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसे असेस कर रहे हैं। असेस करने के बाद इसे आप इवैल्यूएट भी करेंगे कि क्या वो परवेसिव है या नहीं। फिर अब आप क्या करेंगे, इस रिस्क को आप कंपेयर करेंगे विद व्हाट कैन गो रॉन्ग, दैट इज इनहेरेंट रिस्क। फिर आपको पता चला है कि अच्छा ये इनहेरेंट रिस्क हमने कंसीडर करी थी, ऐसी गलती हो सकती है। इस इनहेरेंट रिस्क से रिलेटेड आपने कोई कंट्रोल देखा होगा, बोलो यस और नो। फिर आप इस कंट्रोल को टेस्ट करेंगे, बोलो यस और नो। आपको ये रिस्क मिली ना, ये रिस्क को आपने कंपेयर किया विद इनहेरेंट रिस्क, तो आपको पता चला अच्छा ये रिस्क और ये रिस्क जैसा हमने सोचा था वैसा ही हमको मिला है, बराबर के नहीं? तो इसको रोकने के लिए कौन सा कंट्रोल है वो आप फाइंड आउट करेंगे। वो कंट्रोल मिलने के बाद आप उस कंट्रोल को टेस्ट करेंगे। दो बातें होगी, क्या दो बातें होगी? एक तो कंट्रोल अच्छा होगा या तो बुरा होगा। मतलब ही आप टेस्ट करके आप देखोगे कि इसमें पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है,
कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियली अफेक्ट कर सकते हैं या नहीं। मतलब ही टेस्ट करके आप पता कर रहे हो अबाउट व्हाट द लाइकलीनेस ऑफ द ऑकरेंस ऑफ दैट मिसस्टेटमेंट। बोलो ना। एंड फिर जाके आप जब आपको पता चलेगा ओके दिस इज मटेरियल एंड दिस इज व्हाट परवेसिव, अकॉर्डिंगली यू गिव व्हाट योर ओपिनियन। जमी बात। यस, आगे बढ़ते हैं यहां से। देन रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन। ठीक है ना, देखिएगा, इफ एनी रिस्क आर आइडेंटिफाइड और अगर ऑडिटर के अनुसार वो सिग्निफिकेंट रिस्क है बराबर के नहीं, देन वेल एक्सरसाइजिंग द जजमेंट द ऑडिटर शैल एक्सक्लूड द इफेक्ट्स ऑफ आइडेंटिफाइड कंट्रोल्स रिलेटेड टू द रिस्क। अगर उसको लगता है ये रिस्क सिग्निफिकेंट है उसके ऊपर के कंट्रोल्स छोड़ दो, अपने को उसको एक्सक्लूसिवली चेक करना पड़ेगा। सो कौन सी रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है, ही शुड कंसिडर द फॉलोइंग। याद करने की कोशिश करना, द रिस्क विच इज बिकॉज ऑफ फ्रॉड, जो भी रिस्क बिकॉज ऑफ फ्रॉड है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, जो भी रिस्क इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट्स लाइक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गया उसके वजह से, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, रिलेटेड पार्टीज है, सब्जेक्टिविटी इन मेजरमेंट जैसे कि बैड डेट्स है, एस्टिमेटेड लाइफ है, या कहीं पे भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं, तो इन रिस्क को हम लोग क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट रिस्क कहेंगे। ये रिस्क पे आपको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। क्लियर है एकदम? यस। व्हेन द ऑडिटर्स डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट रिस्क एग्जिस्ट द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज कंट्रोल इंक्लूडिंग कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेवेंट टू द ऑडिट रिस्क। स्पेशल ध्यान देना है। सिंपल सी बात है, ये देखो एग्जाम्पल्स दिया है कि कौन से सिचुएशन में कौन सी रिस्क सिग्निफिकेंट हो सकती है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करो, उसके बेसिस पे सेकेंड पॉइंट आप अंडरस्टैंडिंग लो वो करने के लिए, फिर थर्ड यू एक्चुअली आइडेंटिफाई एंड असेस दैट रिस्क। बट जब आपको कोई रिस्क मिलती है और वो रिस्क आपको सिग्निफिकेंट लगती है तो आपको स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ेगा, उन कंट्रोल्स को गहराई में इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो फिर सवाल आता है कौन सी रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है। सो वहां पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो रिस्क फ्रॉड के वजह से है, मतलब इंटेंशनली करी गई है, जो रिस्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, नया कानून आया, जीएसटी आया, शेड्यूल 3 आया, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके वजह से, नंबर 3 कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन लाइक पंजाब नेशनल बैंक की बात हुई थी, नंबर 4 वी टॉक अबाउट रिलेटेड पार्टीज के साथ है, गलत काम रिलेटेड पार्टीज के साथ ही ज्यादा कर सकते हैं, सब्जेक्टिविटी इन मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन है, मतलब अगर बैड डेट्स है तो आपका सब्जेक्टिव, मतलब आपका मेजरमेंट मेरा मेजरमेंट सब्जेक्टिव है, तो ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जो है उसमें क्या हो सकता है, उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क आ सकती है। तो उसको आपने क्या करना है कि ऑडिटर ने स्पेसिफिक उस कंट्रोल्स को चेक करना है और फिर कंट्रोल एक्टिविटीज चेक करना है इन रिलेशन टू दोस रिस्क। ईजी एकदम। वाओ। रिस्क फॉर विच सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब क्या है, देखिए The auditor may judge that it is not possible or practicable to obtain sufficient appropriate audit evidence only from substantive procedures. कोई risk मौजूद है और जिससे substantive procedures will not provide sufficient appropriate audit evidence like inventory is kept someplace else where we cannot actually go and verify. बराबर। In this case, such risk may relate to inaccurate or incomplete recording of routine and significant class of transactions. In this case, entities internal controls over such risk are relevant to the audit. तो खास आप internal controls पे जोर दीजिएगा फिर। Next, wow, जो risk आपने assess करी थी क्या वो change हो सकती है क्या? और अभी तक जो भी आपने किया उसको क्या करें? Document. दोनों points पढ़ लीजिए please.
ओवर की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग ईच ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी. अरे वो जो पिरामिड था ना, उसके अंदर के जो जो आपको क्रूशियल पॉइंट्स लगते हैं ना, वो कंपोनेंट्स के पॉइंट याद है क्या? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, उसके बाद एंटिटीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आइडेंटिफाई एस्टिमेटेड सिग्निफिकेंस, असेस द लाइक्लीहुड ऑफ इट्स ऑकरेंस एंड कंट्रोल एक्टिविटीज, दैट इज एक्शन. उसके बाद तो वो पूरे उसके अंदर जो जो आपको की एलिमेंट्स लगते हैं ना, वो आप सब क्या करो, उसको डॉक्यूमेंट करो. आई बात समझ में? यस. सो 315 ईजी है क्या एकदम? सिंपल है एकदम. यस. सो 320 पढ़ना है आज के लिए बस. क्या छोटा है स्टैंडर्ड? कोई बात नहीं, बट कल पढ़ लेंगे तो आज एक दिन में क्या हो जाएगा, एक भी स्टैंडर्ड झेपेगा नहीं आपको फिर. ठीक है. सो टुमारो वी विल कंप्लीट 300 एंड 400 वाला सीरीज, सो बी प्रिपेयर्ड. सो 320, 330, 402 एंड 450 नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स इन द लाइन वी विल कंप्लीट दैट. ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर.